हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस व्लॉग में। आज मैं दिल्ली के लोटस टेंपल में हूं और अगर आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे होंगे तो मेरे पीछे आप लोटस टेंपल को देख पा रहे होंगे। तो ये टेंपल जो है वो काफ़ी सुंदर है और इस टेंपल को मैं आपको नज़दीक से दिखाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, लोटस टेंपल 1986 में बना था। इसका डिज़ाइन ईरानियन आर्किटेक्ट फेरिबोस साबा ने किया था और ये अगर आप देख पा रहे हो काफ़ी सुंदर है ये। लोटस टेंपल एक बाह्य उपासना स्थल है जिसका अर्थ यह है कि यह सभी धर्म के लोगों के लिए खुला है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग प्रार्थना करने, ध्यान लगाने और आंतरिक शांति पाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। लोटस टेंपल में प्रवेश करते ही एक शांति की अनुभूति होती है जिसको आप महसूस कर सकते हैं। मंदिर का सेंट्रल हॉल काफी सुंदर और अट्रैक्टिव है। ऊंची ऊंची छत और नेचुरल लाइट एक सुंदर वातावरण बनाते हैं जो कि ध्यान करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। मंदिर जितना अंदर से सुंदर है उतना ही बाहर से भी। आसपास फैले गार्डन एरिया को आप देखकर काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। काफ़ी सारी ग्रीनरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यदि आप बाह्य आस्था और लोटस टेंपल के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप विजिटर सेंटर जा सकते हैं, जहां आपको आपकी लैंग्वेज में ब्रोशर्स, वीडियो और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप इस मंदिर के बारे में और इस आस्था के बारे में और अधिक जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर लोटस टेंपल में मेरा समय काफ़ी अच्छा बीता। यह एक ऐसी जगह है जो सुंदरता, शांति और आध्यात्मिकता से भरपूर है। आप आस्तिक हैं या नहीं, अगर आप कभी दिल्ली में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस जगह ज़रूर आएँ। सो फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।